जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली किन्नर समाज का विवाद किन्नर समाज से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आज किन्नर समाज के कुछ किन्नरों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव से इंसाफ की गुहार लगाई है। किन्नरों का आरोप है कि दिनांक 27 मई को सीमा किन्नर व गीता किन्नर वे अपने साथी किन्नरों के साथ बधाई मांगकर घर वापस आ रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे अबरार इमरान उर्फ तोतू व सलमान तथा गुलजार पुत्र गन अल्लाह मेहर निवासी गन भुटबराग जोगियो वाली गली बिलाल मस्जिद खतौली के पास मिले, जो अपने हाथों में सरिये छुरी लिए हुए थे, जिन्होंने हमें जबरन रोककर गालियां देते हुए सीमा किन्नर व गीता किन्नर पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया तथा अबरार ने सीमा किन्नर को जान से मारने की नीयत से पेट में छुरा घोंपा, जिससे सीमा किन्नर के सिर में पेट पर शरीर पर अन्य चोटें आई हैं तथा पैर तोड़ दिया गया और गीता किन्नर का हाथ तोड़ दिया तथा गीता किन्नर के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल खतौली में मेडिकल कराया गया। राधे राधे नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं बोल रही हूँ रेखा रानी, खतौली ढाकन चौक। क्या मामला जो है? हमारा मामला ये है जी, फर्जी किन्नरों ने हमें सता रखा, हमें बहुत परेशान करते हैं। एक अबरार नाम का किन्नर कसाई है, जात से कुरैशी है और वहाँ से भोपाल से किन्नर बन के आया। वहाँ पे उन लोगों को 6 महीने की जेल, 6 जनों को कटवा के और उनसे पैसा हड़प के मोटा पैसा लेके आया। अब जबरदस्ती खतौली में फर्जी वसीयत है, फ्रॉड बाजी से ये लोग मांगते खाते हैं और हमारे को मारने की धमकी देते हैं। हमारे पास गुंडे बदमाश भेजते हैं, हमें झूठे सच्चे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं कि किसी का लिंग परिवर्तन करा के हम तुम्हें फंसाएंगे। और अगर हम प्रशासन का सहारा लेते हैं तो हमारे घर में गुंडे बदमाश भेजते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ खतौली से वरना तुम मारे जाओगे। हमें 24 घंटा धमकियां दी जाती, टॉर्चर करे जाते हैं। अच्छा, पहले भी हमें इस तरह की वारदात हो चुकी है? पहले भी, आज तक हमारे खतौली में पहले कभी वारदात ऐसी नहीं हुई। यही सड़े हुए आए जो यही करते हमारे साथ में, बाग में पहली बार बाग में, हमारे सटेड़ी बाग में बदमाश और पिस्तौल समेत आए। शुक्र है भगवान का कि कोई मारा नहीं गया। कप्तान साहब से और प्रशासन से हम ये गुहार लगाते कि हमारी मदद करी जाए, हमारे इनसे जान छुटकारा लिया जाए, इनके साथ में सख्त कार्रवाई करी जाए। ये जहाँ किन्नर बना वहीं चला।